हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनसनी। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे बीज के बारे में जिसको खाने से हमारे शरीर में काफ़ी फ़ायदा होता है और उस बीज का नाम है अलसी के बीज। अलसी के बीज खाने से हमारे शरीर में काफ़ी फ़ायदा होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अलसी के बीज खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, अलसी के बीज हमें कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अलसी के बीज को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स के नाम से जाना जाता है। अलसी के बीज में आपको काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, फिश नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए अलसी का बीज ओमेगा 3 का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 और फाइबर के साथ साथ आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B1, B6 और काफ़ी न्यूट्रिशन आपको अलसी के बीज खाने से मिल जाते हैं। अलसी के बीज खाने से कौन कौन से फ़ायदे हमारे शरीर को पहुंचते हैं और किन किन बीमारियों से अलसी के बीज हमें बचाते हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अलसी के बीज हमारे दिल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि अलसी में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट के साथ साथ ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे दिल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अलसी के बीज में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हमारे दिल को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को कम करने में, सूजन को कम करने में और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। अलसी के बीज वज़न कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फाइबर, लिग्नेन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो वज़न को कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अलसी में विटामिन B, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो वज़न को कम करने में काफ़ी मदद करता है। अलसी हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अलसी में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 होने के कारण ये हमारे ख़राब और रूखे बालों के लिए एक जादुई औषधि है। ये ना सिर्फ हमारे बालों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उनको हेल्थी बनाते हैं, बल्कि सर की त्वचा को भी पोषण देते हैं। अलसी का नियमित रूप से सेवन करने से बालों की समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है, जैसे डैंड्रफ, खुजली और बालों का टूटना। अलसी में ओमेगा 3 होने के कारण ये हमारे बालों की जड़ों को पोषित कर उनको मजबूत और हेल्थी बनाते हैं। अलसी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि अलसी में हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर में वज़न कम करने में काफ़ी मदद करता है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और शरीर की गंदगी को निकालने में मदद करता है। प्रोटीन त्वचा और बालों के लिए एक अच्छा पोषक तत्व होता है। 100 ग्राम अलसी में आपको 18 से 19 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि अलसी में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की मात्रा को बढ़ाता है। जब ब्लड में HDL की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL की मात्रा कम होने लगती है। अलसी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि अलसी के बीजों में आपको अल्फा लेनोलेनिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है। अलसी के बीज टाइप 2 पेशेंट के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। जो लोग पहले से ही डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उनको अलसी शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अलसी को खाने से पहले थोड़ा रोस्ट कर लेना चाहिए। आप मार्केट से रोस्ट की हुई अलसी भी परचेज़ कर सकते हैं।
रोस्ट करने के बाद अलसी को हाई स्पीड ब्लेंडर में पीसकर इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। कभी कभी साबुत अलसी ठीक तरह से नहीं पच पाती और वो हमारे शरीर से ऐसे ही बाहर निकल जाती है। पीसी हुई अलसी को आप रोज 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। अलसी को आप पानी, दूध, दही, दाल, सैलेड, जूसेस, स्मूथीज और आटे में गूंदकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने ये छोटे काले भूरे रंग के अलसी के बीज हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी आपको मिली हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अलसी के बीज खाने का फ़ायदा मिल सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हैं या क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।